फ्रेंड्स, वेलकम टू सम्मीज किचन। आज हम बनाएंगे पुणे की फेमस तंदूर चाय। तंदूर चाय बनाने के लिए हमें लगेगा मिट्टी का प्याला। उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें। तो चलो देखते हैं तंदूर चाय बनाने के लिए हमें क्या करना है। तंदूर चाय बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस तरह का एक मिट्टी का बर्तन लेना है, जिसे हमें गैस पे सेकने रखना है। इसे अच्छी तरह से सेकाना है, पूरी तरह चारों तरफ से। ये छोटा मिट्टी का बर्तन हमें मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है और बहुत ही चीप रेट में मिलता है। एक तरफ हमने गैस पे दूध को उबालने रखा है। यहाँ पे मैंने 1/4 पानी लिया है और 3/4 दूध लिया है। इसमें हम अब शक्कर, और चाय पत्ती डालेंगे। और कुछ अदरक के टुकड़े। अब हम इसे उबाल आने तक रखेंगे। ये देखो हमारी चाय बन गई है। यहाँ पे इसे अच्छा सा उबाल आ चुका है। एक तरफ हमारा मिट्टी का बर्तन भी सीख रहा है। इसे अच्छे से सेकना है, पूरी तरह से चारों तरफ से ये गर्म होना चाहिए। इसी मिट्टी के बर्तन से जो फ्लेवर आएगा, तंदूर फ्लेवर जो आएगा, उसी से ही हमारी चाय टेस्टी बनेगी। देखो हमारा मिट्टी का प्याला बहुत ही अच्छे से सीख गया है। ध्यान रहे, इस स्टेप को बिल्कुल मिस नहीं करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है तंदूर चाय बनाने की। ये अच्छे से गर्म हो चुका है। एक तरफ हमारी चाय भी बन चुकी है। अब हम इस प्याले को एक बर्तन में रखेंगे। ऐसे और धीरे धीरे इसमें चाय डालेंगे। ये पुणे की बहुत ही फेमस चाय है। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इसके तंदूर फ्लेवर की वजह से ये बहुत ही फेमस हो गई है। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ये चाय ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसी बनी।